आज हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि केवल आधा किलो आम से आप 2.5 लीटर से भी ज्यादा मैंगो मिल्क शेक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये आधा किलो पके हुए आम का पूरा पल्प निकाल लिया है, और अभी ये जो आम है इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में। 1.5 कप चीनी डाल देंगे इसमें। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये 1/2 लीटर पानी। अब जार का ढक्कन लगाएंगे और ब्लेंड कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से। तो ये सारी चीजें जो है उसको हमने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और ये हमारी मैंगो प्योरी बन करके रेडी हो गई है। ये लिया है मैंने 1.5 लीटर बढ़िया ठंडा ठंडा दूध। अब इस दूध में हम 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप न डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जो मैंगो प्योरी बनाई थी हमने वो अब डाल देंगे दूध में। मैंगो प्योरी को अब हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में। तो अभी मैंगो प्योरी मिक्स हो गई दूध में बढ़िया से, और ये मैंगो मिल्क शेक जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये 2.5 लीटर से ज्यादा है, और इतना मैंगो मिल्क शेक आपकी पूरी फैमिली के लिए सफिशियंट है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप मैंगो मिल्क शेक घर पर कैसे बनाते हैं। अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन देने हो तो वो भी आप बेफिक्र होके दीजिएगा। लास्ट में बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करके ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक आप अपनी पूरी फैमिली को सर्व कीजिए। अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो मैंगो मिल्क शेक बनाने का, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और फिर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।